लेकिन अब बात करते हैं आज की दमदार लिस्टिंग की। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की आज हुई है शानदार लिस्टिंग, और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ संजय गुप्ता, मैनेजिंग डायरेक्टर पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग मिस्टर गुप्ता, पहले तो बधाई, बहुत अच्छी लिस्टिंग हुई है, बहुत अच्छे लिस्टिंग गेन्स नजर आ रहे हैं सर। अब आगे की प्लान क्या होने वाला है, आगे का रोड मैप हमें बताइए। रोड मैप कुछ नहीं है, ये ग्रोथ कैपिटल हमारे लिए है एंड हमारा अगले 2-3 साल के लिए विद इंटरनल अक्रूवल्स ये कैपिटल काफ़ी महत्वपूर्ण है एंड हम ये सोचते हैं, विचार करते हैं कि इस कैपिटल से हमारे जो पोर्टफोलियो साइज है वो अबाउट 75,000 करोड़ तक पहुंच जाएगी आसानी से एंड ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन एंड पोर्टफोलियो ग्रोथ ही केवल दो ऑब्जेक्टिव्स हैं इस कैपिटल इन्फ्यूजन के। और साथ ही में क्या यही वो वक्त होगा जब हम देखेंगे आप अपने मार्केट शेयर को कंसोलिडेट करते हुए नजर आएंगे, और किस तरह के स्पेसिफिक टारगेट्स रखे हैं आपने? नहीं तो जहां तक कि मार्केट शेयर का सवाल है, हम लोग अपने कभी भी बजटिंग एक्सरसाइज मार्केट शेयर को मद्देनजर रखते हुए नहीं करते हैं। हम लोग अपना टारगेट सेटिंग करते हैं कि हमने जो कैपेबिलिटी कैपेसिटी बिल्ड करी है डिफरेंट ज्योग्राफीज में, उसको हम ऑप्टिमाइज करें और उसको हम एक अच्छे रूप से उसको एक्सप्लॉइट करें एंड पोर्टफोलियो क्वालिटी पे हमारा बड़ा कंसंट्रेशन रहता है। तो हम लोग मार्केट शेयर वगैरह की इतनी चिंता नहीं करते हैं जब हम अपना बिजनेस प्लान करते हैं। तो मिस्टर गुप्ता, नॉर्थ में आप लोगों का अच्छा खासा एक्सपोजर है, तो नॉर्थ के मार्केट के लिए कुछ स्पेसिफिक प्लान्स या यहाँ पे एक्सपेंशन की क्या तैयारी है? ये हमारा 5-6 साल पहले रवैया होता था कि नॉर्थ में ज्यादा कंसंट्रेशन था। आज के दिन में प्रियंका, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में हमारे बड़ा बैलेंस पोर्टफोलियो है। हर एक जगह 33-34% का पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन है, तो नॉर्थ सेंट्रिक अब ये कंपनी नहीं है, ये एक पैन इंडिया वेरी वेल बैलेंस्ड कंपनी है एंड यही हमारा आगे भी ख्याल या फोकस रहेगा कि जब भी हम अपना एक्सपेंशन प्लान करें तो तीनों रीजन्स में बहुत बैलेंस्ड मैनर में एक्सपेंशन प्लान करें। सर, आपका बोरिंग पोर्टफोलियो अभी कैसा दिख रहा है, और क्या कोई एक्सपोजर है पंजाब नेशनल बैंक का कंपनी में? कौन सा पोर्टफोलियो, मैं कुछ समझ में नहीं आया। बोरोइंग पोर्टफोलियो नहीं, बोरोइंग्स जो है हमारी, बोरोइंग बास्केट बहुत डिवर्स है हमारी। 25% हमारे डिपॉजिट्स हैं, 10% NHB रीफाइनेंस है, ECBs हैं 4-5% एंड NCDs हैं अबाउट 35-37% एंड बाकी का कमर्शियल पेपर है। सो पर से पीएनबी का इतना एक्सपोजर नहीं होता हमारी बोरोइंग्स में। हिस्टोरिक लाइंस ऑफ क्रेडिट हैं जो मेरे ख्याल से आज के दिन में 1-2 परसेंटेज पॉइंट्स की होंगी बस। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए संजय गुप्ता हमारे साथ। थैंक यू सो मच। हाउसिंग फाइनेंस की हमने देखी है शानदार लिस्टिंग, और इसी लिस्टिंग पर हो रही थी इनसे बातचीत। सदा आपका मैं, हम लेते हैं फिलहाल छोटा सा ब्रेक।